धन्यवाद सर, नाम लेके फोन क्या बोल रहे हैं? आपका बहुत धन्यवाद सर, चंद्रयान पे बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनधन योजना हो या चंद्रयान की योजना हो, सफलता के साथ जो है भारत का तो विश्व भर में दुनिया भर में मान बढ़ाई, बट चंद्रयान की सफलता ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सर मैं अधीरदा को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, वैसे मैं उनसे उम्र में छोटा हूं और अनुभव भी बहुत थोड़ा है, बट फिर भी बैठे बैठे एक चीज मैं जरूर उनको कहना चाहूंगा और शायद कांग्रेस को चिंतन करनी चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने 7 साल तक जो है भारत में शासन किया और आज भी जो है नेहरू जी को स्थापित करने के लिए इतना जोर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत था। सर एक विषय कई बार 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 सांसदों की तरफ से आया कि 1962 से जो है हम स्पेस मिशन की ओर आगे बढ़े, मुझे लगता है वो इंडिया का युग था, लेकिन उससे पहले भी जब भारत का युग था तब भी हम जो है स्पेस मिशन में आगे थे। अनुभव उदाहरण बहुत सारे, लेकिन मैं एक ही बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, आर्यभट्ट जी ने जो कोपरनिकस थे उनसे 1000 साल पूर्व ही ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और सर मैं एक दो चीज आपके सामने और रखना चाहूंगा, 1920 के दशक में भारत में मॉडर्न डे स्पेस रिसर्च शुरू हुआ। एसके मित्रा, नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन, मेघनाथ साहा जैसे साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च जो अग्रणी थे उनके माध्यम से हुआ, और फिर 62 में जो है जाकर के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ। 63 में यानी 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और इंडियन स्पेस रिसर्च 69 में जाकर के इसरो के नाम से कन्वर्ट हुआ, और इसरो ने अब तक जो है 90 सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए और इसमें से 48 स्पेस मिशन मोदी जी के समय में कार्यकाल में 9 वर्षों में हुए हैं, और इसरो ने ही पिछले 9 वर्षों में जो 48 स्पेस मिशन लॉन्च किए उसमें से जो है 424 सैटेलाइट साथ लेकर के गए थे। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम भारत सरकार का बजट भी देखें 2013-14 में जहाँ 5615 करोड़ हुआ करता था, 2023-24 में बढ़ के 12500 करोड़ से अधिक है, और कई सारे फॉरेन सैटेलाइट भी जो है इसरो ने लॉन्च किए हैं, 3000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है, और ये आमदनी पिछले 9 साल में करीब करीब उसका 90% हिस्सा जो है पिछले 9 साल का ही है। सो ये बहुत सारी उपलब्धियां रही सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र से भी दार्जिलिंग तराई डुअर से भी निरुपम शर्मा जो मिरिक दार्जिलिंग के थे, अनुज नंदी जो इस्लामपुर नॉर्थ दिनाजपुर के थे, और कौशिक नाग जी जो जलपाईगुड़ी के थे, ऐसे तमाम लोग जो है पश्चिम बंगाल से भी इसरो मिशन के जो है टीम के हिस्सा रहे। अगला हमारा टारगेट जो है गगनयान है, लेकिन सर मैं बंगाल की दृष्टि से एक दो विषय जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है बंगाल के हमारे सब टीएमसी के सांसदों ने भी रखा, और हम सबको भी गर्व होता है कि बंगाल की इतनी बड़ी भूमिका रही और इतने बहुत अधिक संख्या में जो है उनका इस टीम में योगदान रहा। लेकिन आज बंगाल के सरकार को ये चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो आज के युवा पीढ़ी को जिस तरह का संस्कार हम डाल रहे हैं, क्या आने वाले समय में भविष्य में वो गरिमा पश्चिम बंगाल की रहेगी क्या? आज देखिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है बम के लिए, बारूद के लिए, हिंसा के लिए, हत्या के लिए, महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं उसके लिए, तुष्टिकरण के लिए, परिवारवाद के लिए, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के लिए। और मैं ये बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ प्लीज सर, बस 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं ये गंभीरता के, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अर्जुन दा वही बैठे हैं, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो वही है, उनसे पूछ सकते हैं वो। और जिस, और इतना ही नहीं सर, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता यहाँ बैठे हैं, वो जवाब दे, 50% से ज्यादा यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है।
8,500 से ज्यादा जो है स्कूल पश्चिम बंगाल में बंद हो रहे हैं क्योंकि टीचर को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जो डीए है, टीए है, सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, ये वास्तविकता है। और सर एक बात और, कृपया समाप्त कीजिए। सीपीएम ने 35 साल तक बंगाल में शासन किया। थैंक यू। सीपीएम ने श्री जसवीर सिंह चिल्लाने से अब बैठ जाइए। जसवीर सिंह गिल जी, धन्यवाद चेयरमैन साहब। आज हम मैं बधाई देता हूं पंजाब वासियों की।